राधे राधे दोस्तों तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी सत्ताईस अक्टूबर को या अट्ठाईस अक्टूबर को हाँ दोस्तों इस बार बड़ा कन्फ्यूजन है कि सत्ताईस या अट्ठाईस अक्टूबर में से कब शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी क्योंकि अट्ठाईस अक्टूबर का ग्रहण पड़ रहा है दोस्तों सभी मंदिरों में और वृंदावन में शरद पूर्णिमा अट्ठाईस अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और दोस्तों आपका आपको पता है कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है है. इस दिन क्या हुआ था हाँ दोस्तों इस दिन श्री कृष्ण और गोपियों का रास हुआ था ये महारास कहलाता है के बिहारी जी के मंदिर में आज भी इस दिन महाराज के दर्शन होते हैं और साल में एक बार बांके बिहारी बंसी धारण करते हैं मगर दोस्तों इस बार बांके बिहारी रात में रास नहीं रचाएंगे इस बार बांके बिहारी दिन में रास रचाएंगे इसलिए उनके दर्शन दिन में शाम को साढ़े तीन बजे तक ही हो पाएंगे और दोस्तों इस दिन अमृत कहते हैं चांद से बरसता है और चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है तो दोस्तों आप जानना चाहते होंगे कि इस साल भी खीर बनाई जाएगी या नहीं अमृत बरसेगा या नहीं तो दोस्तों खीर बनाई जाएगी मगर भद्राओं के बाद मतलब अगर आपने सूर्य ग्रहण से पहले खीर को बनाया और उसके बाद आपने चांद की रोशनी में रखी तो वो अशुद्ध मानी जाएगी इसीलिए जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए ये समाप्त हो जाए उसके बाद खीर बनाकर आप चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख देना तो उसे सुबह खा सुबह खाओगे तो ये खीर बहुत ही उत्तम और अच्छी मानी जाएगी कहते हैं इस दिन खीर खाने से या चंद्रमा की रोशनी में धागा डालने से आँखों की रोशनी बढ़ती है दोस्तों ये बहुत पुरानी बातें हैं और हम आज भी इन बातों को मानते हैं और जो दोस्तों व्रत रखते हैं शर्द पूर्णिमा वाले दिन उनको बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो अर्घ कैसे देंगे कैसे व्रत को संपन्न करेंगे तो दोस्तों ये व्रत रखा जाएगा मगर इसमें अर्घ नहीं दिया जाएगा अगर आपको अर्घ देना है तो आप चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही अर्घ दें और अपने व्रत को संपन्न करें और दोस्तों इसी टाइम पर ठाकुर जी के कपाट खोलकर ठाकुर जी को स्नान कराया जाएगा और खीर बनाकर भोग लगाया जाएगा और वो चंद्रमा की रोशनी में रखकर सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होगा इसी टाइम पर अगर आपको सुई में धागा डालना है तो आप चंद्रमा की रोशनी में इसी टाइम पर धागा डालना उससे पहले आप ग्रहण को मत देखना क्योंकि ग्रहण देखना अशुभ माना जाता है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि निधबन में आज भी रास रचाया जाता है महारास होता है और इस दिन गोपी बनकर भगवान भोलेनाथ भी कृष्ण जी के साथ रास रचाते हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी सब्त पूर्णिमा के बारे में अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना राधे राधे